ये तो मनाली में पैदा हुई तो हम लोग चक्कर लाइव कहा किसानों ने रोड जाम कर दी। किसान काफी गुस्से में थे। पहले लहरपुर कोतवाल ने किसानों को समझाया, जब वो नहीं माने तो कोतवाल साहब खुद ही उनके साथ रोड पर बैठ गए और अब उनकी समस्या को अपनी समस्या बताकर सुलझाने की कोशिश की बात करने लगे। दूसरी चीज, आपका जो भी मुआवजा है वो प्रशासन के माध्यम से जो सिस्टम है उसी की तरह से होगा। हम ये कहने की अभी हम किसानों का कहना है की लगातार आवारा पशुओं से मौतें हो रही है, फसलें बर्बाद हो रही है, कब तक ये सब सहा जाए। बीती रात बलरिया में खेत बचा रहे किसान 26 साल के अरविंद पर आवारा पशुओं ने हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। सुबह परिजनों ने उसके शव को सड़क पर रख कर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गए। जाम भैया, जानवर से इतनी परेशानी है कि मान लिया बचावा जाए, आज ही गवा कहीं मारा गवा, कल दूसरा जाए वही है हादसा हो। सरकार की कोई व्यवस्था करे भाई, ये जानवर हटावे और का है, जानवर में तो दिक्कत सारी है। कैसे कैसे इनकी खेत बचाव गिरेंगे हूँ साढ़ पटकी से उनका। ग्रामीणों की मांग है कि आवारा पशुओं को गौशाला भेजा जाए तभी यह जाम खुलेगा। तहसीलदार मौके पर हैं। ग्रामीणों से बातचीत का दौर शुरू हो गया है, अब देखना होगा आगे क्या होता है। इस खबर पर लगातार स्टार संवाददाता रवि शाह के ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपको हम अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहे स्टार न्यूज के साथ।